रही है। एलएसी पर चीन की फायरिंग पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एलएसी पर करीब 4 बार 100 राउंड की फायरिंग हुई थी, बहुत ही बड़ी खबर रही है। पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर यह फायरिंग हुई थी और 29 अगस्त से 8 सितंबर के बीच 100 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग हुई है। और स्ट्रेटजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, 4 बार 100 राउंड फायरिंग कब हुई है, बहुत जल्दी एक क्विक अपडेट दें। बिल्कुल, ये फायरिंग्स की लगभग 4 अलग अलग घटनाएं सितंबर के पहले वीक में हुई है, 8 तारीख तक। और इसका एक टाइमिंग बहुत देखना जरूरी है कि जब डॉक्टर जयशंकर और उनके जो चाइनीज काउंटर पार्ट है वांगी, ये दोनों मिल रहे थे मॉस्को में उसके ठीक पहले, वो मिले थे 10 तारीख को, उसके ठीक पहले इस तरह की लगातार फायरिंग होने का क्लियर मतलब था कि चाइनीज अपनी तरफ से प्रेशर बनाना चाहते हैं। लेकिन हम दर्शकों को ये भी जरूर बता दें कि भारत ने भी जब पहले फायरिंग हुई चीन की तरफ से तो जवाबी फायरिंग जरूर की है, वो इसलिए क्योंकि चीन बौखलाया हुआ था 29 अगस्त के बाद से। 29 अगस्त की रात को, आधी रात को, जब इंडियन आर्मी ने और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अलग अलग हाइट्स को कैप्चर कर लिया। ठीक है आशीष, दोबारा आपके साथ में जुड़ने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन